प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो पोजीशन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा बुमराह के विधायक जितेंद्र अभाट अब विश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। जितेंद्र अभाट को फोन पर धमकी मिली है और लाखों रुपए मांगे गए हैं। आपको बता दें कि विधायक जितेंद्र अभाट शरद चंद्र एनसीपी पार्टी के नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही ठाणे से कलवा मुमरा के विधायक भी हैं। ऐसे में विश्नोई गैंग से विधायक जितेंद्र अभाट को धमकी मिली है फ़ोन पर। रोहित गोदारा नामक व्यक्ति ने फ़ोन पर धमकी दी है और लाखों रुपए की डिमांड की गई है। डिमांड पूरी ना होने पर सलमान खान के घर पर जिस तरह से फायरिंग की गई थी, इसी तरह की धमकी दी गई है। खबरों के मुताबिक धमकी भरा फ़ोन विश्नोई गैंग ने ऑस्ट्रेलिया से किया था, नाम रोहित गोदारा बताया जा रहा है जो फ़ोन पर धमकी दिया गया था। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर भी विश्नोई गैंग के दो लोगों ने फायरिंग की थी, हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नेता जितेंद्र अभाट को विश्नोई गैंग से धमकी मिली है।